नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका एस बी एम अकाउंट है लेकिन आपका ए टी कार्ड आपके पास नहीं है आप चाहते हो कि हमें भी ए कार्ड मिलना चाहिए तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है कैसे आप इसको अप्लाई कर पाते हैं और कितना टाइम लगता है नियर अबाउट जॉब आपके घर तक रिसीव होने में तो इस वीडियो में पूरी वीडियो प्रोसेस आपको बताऊँगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बैंकिंग के प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको अपडेट मिलता रहे ठीक है लेटेस्ट एफ डी कैडेट चल रहे हैं उनके बारे में वीडियो अपडेट करते रहते हैं तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे आप देखोगे आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू हाँ अप्लाई एस बी आई का न्यू ए टी एम कार्ड का कैसे अप्लाई करें अगर आपका ए टी एम कार्ड खराब हो गया या आपके पास ए टी एम कार्ड नहीं है लेकिन आपको अपना ए टी एम कार्ड आप नया बनवाना चाहते हो दोस्तों उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हो लेकिन अगर आप ऑनलाइन यूज कर सकते हो ऑफलाइन आप ज़रूर इसको अप्लाई कर सकते हो आपको सिंपली करना क्या होगा अगर आपको नया डेबिट कार्ड बनवाना है तो आपको ब्रांच में विजिट करना होगा इसके लिए आपके पास आपकी पासबुक होनी चाहिए क्योंकि उसमें अकाउंट नंबर होता है आपके आप आपको बैंक में जाइएगा वहाँ पे कंसर्न ऑफिसर आपको मिलेंगे बैंक में उनसे बोलिएगा कि हमें एक न अपना हमारा अकाउंट है यहाँ पे हमें एटीएम कार्ड अप्लाई करना है तो वो आपको एक फ़ॉर्म देंगे फॉर्म को आपको भरना है और पासबुक में जो आपका अकाउंट नंबर है वो उस फॉर्म में भर देना है और साथ में अपना मोबाइल नंबर भरना है जो आपके बैंक अकाउंट में है ताकि आपके पास जो मैस वहाँ से ए ATM कार्ड आपको भेजा जाए यानी अबाउट सेवन टू टेन डेज या फिफ्टीन डेज के अंदर तो आपको मिल सके आपको पता लग सके कि आपका ए कार्ड कहाँ है तो आपको उसके फॉर्म को भर देना है उसमें अकाउंट नंबर भर देना है अपना नाम भरना है मोबाइल नंबर भरना है और दोस्तों उस फॉर्म के साथ आपको अपना आधार कार्ड की यानी आई डी प्रूफ की कॉपी लगानी है आई डी एड तो और उसको आपको सबमिट कर देना है आधार कार्ड की कॉपी के साथ उस फॉर्म को अपने ब्रांच में कंसर्न ऑफिसर के पास जो भी वहाँ पे मिलेंगे कर्मचारी तो उनको सबमिट कर देना है और विद इन सेवन टू टेन डेज के अंदर आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा कि आपका कार्ड डिस्पैच हो गया अगर आपको सेवन से लेके कर पंद्रह दिन के अंदर आपका एटीएम कार्ड नहीं मिलता है तो आपको करना क्या होता है आपको एसबीआई में जाना है एसबीआई में बैंक में जाओगे तो वहाँ पे एसबीआई में आप पता कर सकते हो कि आपका एटीएम कार्ड अभी तक रिसीव क्यों नहीं हुआ आपको आपने उनको बताना है कि हमें इस तारीख को हमने ए कार्ड अप्लाई किया था ठीक है उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों थैंक यू वेरी मच